लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी हम लोग किसी के पास हम लोग जाएं, उसको थोड़ा सा सच्चाई बता के हम लोग अगर चलें, तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड होता है। अगर हम लोग उसको बोलते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ आप ज्वाइन कर लो, और वो क्या होता है, हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी कोई भी पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करे, वो जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए उतना ही बेटर है। और जिन भी लोगों ने इंडिपेंडेंट होके काम किया है, वो बहुत जल्दी सक्सेस हुए। और ये जो हमने अभी तक मतलब के देखा, रियल वर्ल्ड 4-5 साल में अपने मैंने नेटवर्क में मैंने देखा है कि जो जितनी जल्दी अपना बिजनेस खुद संभाल लेता है ना, तो उतनी ही जल्दी वो ग्रो करता है। अपलाइन होता किस लिए, अपलाइन होता गाइडलाइंस लिए, हमें बताने के लिए कहीं मुश्किल में फंस गए, कोई भी चीज़ हमें समझ नहीं आ रही तो समझाने के लिए होता है। लेकिन हम उसको अपने ऊपर डिपेंड करते, इस वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पाता। हमें पहले दिन से उसको समझा के चलना है कि चीजें हम आपको बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन काम फील्ड में आपको ही करना है। कहीं 5 लोग बुलाओ, कहीं 10 लोग बुलाओ, हम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 1-to-1 आप ही करोगे। तो ऐसे करके अगर हम लोग करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिजनेस होता है। पहले दिन से हम लोग समझा देते हैं कि देखो सारे लोग हानि करते, आप अगर 10 लोगों को मिलोगे उसमें से 2-3 लोग आपके साथ आते हैं, और उसमें से कुछ यूजर बनते हैं, कुछ 1-2% जो होते हैं वो बिजनेस वाला पर्सन निकलता है। तो पहले दिन से उसका माइंड सेट हो जाता है कि मैं अगर फील्ड में निकलूंगा, 10 लोगों को मैं मिलूंगा, तो मेरे साथ कितने लोग आने वाले, 2 लोग, 2-3 लोग मेरे साथ आएंगे, तो वो परेशान नहीं होगा। अगर शुरू में हमने समझा दिया कि सब लोग ये ज्वाइन कर लेते हैं, तो अगर 4-5 लोगों के पास गया, उसने मना कर दिया, तो उसको लगेगा कि मेरे बस की बात नहीं। लेकिन पहले से उसका माइंड सेट है कि अगर 10 लोगों को मैं बताता हूँ तो मेरे साथ 2-3 लोग आते हैं, और कुछ हाँ भी करते हैं, कुछ ना भी करते, तो उसको पहले से ही पता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, तो अच्छा वो ग्रो करता है। बाकी 2 तरह के लोग हमारे साथ आते हैं, पहला पर्सन वो जो यूजर बनता है, और दूसरा वो जो लीडर बनता है। इन दोनों में डिफरेंस हमें समझना है, और डिफरेंस अगर समझेंगे तो हमारा समय नहीं खराब होगा। मैं चाहता हूं कि जो भी पर्सन मेरे साथ ज्वाइन करे, वो आगे ग्रो करे, वो लंबा चले। ऐसा कोई पर्सन जो मान लो कि 2 महीने में 3 महीने में छोड़ने वाला हो, आज ही छोड़ जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा समय नहीं खराब होता, मैं अच्छे लोगों को समय देना चाहूंगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग छांटते हैं लोगों के पास गए, हम लोग चेक करते हैं कि ये लीडर है या ये यूजर है। अगर यूजर है तो उसको यूजर के बेनिफिट बताते हैं, 60 PV करो और ये सारे बेनिफिट आपको परमानेंट मिलेंगे। अगर लीडर है तो उसको बोलते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाकई 1 लाख रुपए का मेरा सपना है, हर पर्सन का 1 लाख का सपना होता है, और अगर मैंने इस महीने मैंने ज्वाइन किया मई के महीने में, और मेरा ये सपना है कि दिसंबर तक 1 लाख आए, तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है मेरा। और कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के चलता नहीं है, और हम लोग बोलते हैं नो इन्वेस्टमेंट। पहले यानी कि शुरू में जो स्टार्ट किया मई में, हम लोग मिस्टेक कर, हम लोग ये बोल सकते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट है, नो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया तो बिजनेस होगा ही नहीं। हमारे जाने आने में भी खर्चा होगा, कहीं मीटिंग में जाएंगे, कहीं टिकट लेना है, कहीं हमने ट्रेवल करना है, कहीं खाना भी खाएंगे, कोई साथ में आगे किसी को बिजनेस प्लान देगा, उसको चाय भी पिलानी पड़ेगी, तो खर्चा होता कि नहीं होता। ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, कम पैसा लगा के हम लोग कम समय में बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हम लोग नेटवर्क बनाते हैं। ये चीजें पहले से अगर क्लियर करके हम लोग चलते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस ये बिल्ड होता है, और हर पर्सन के हिसाब से उसको प्लान करना चाहिए। देखो प्लान में हमारी मास्टरी है, हमें प्लान का मास्टर बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी उस लेवल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन नए लोगों के हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। अगर किसी के पास फ्रेशर के पास गए, कोई उसको नेटवर्क मार्केट की अभी नॉलेज नहीं है, तो उसको उस तरीके से हमें डील करना है। अगर कोई नेटवर्कर मिल गया किसी कंपनी का, हमें उसको उस तरीके से प्लान उसको दिखा के उस तरीके से उसको डील करना है। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट वाला मिल गया, हमें इन्वेस्टमेंट वाले बहुत सारे मिलते हैं, वो कहते हैं मोदी के में धीरे धीरे पैसा आता है, हमारे साथ आओ, देखो 2 महीने में इतना पैसा कमाओ, तो उसको पैसा दिखाना होता है कि अगर 2 महीने 5 महीने अगर मोदी के में हमने काम किया तो कितना पैसा कमा सकते। तो हर पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग उसको प्लान दिखाओ। अगर नीड के अकॉर्डिंग दिखाते प्लान तो उसको चीजें समझ में आती है। अगर एक चीज हमने रट ली और वही चीजें हम लोग सब पर्सन को बता रहे हैं, तो सब पे काम वो नहीं करेंगे। तो हमने प्लान कैसे करना है, हमने नीड के अकॉर्डिंग करना, किसकी नीड क्या है। नीड के अकॉर्डिंग करते तो आप देखेंगे उस पर्सन को वो चीजें आपकी समझ में आएगी, और उसका बिजनेस भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी नए पर्सन के पास अगर हम लोग जाते हैं,
तो ज्यादा लंबा प्लान उसको नहीं करना चाहिए, सिंपल प्लान करो, छोटा प्लान करो, पहले दिन ही डायरेक्टर बनाने की कोशिश ना करो। हम लोग उसको सोचते हैं कि आज इसको डायरेक्टर बना के निकलते हैं, और असल लीडर के पास क्या कि नॉलेज बहुत सारी है, और वो सारी नॉलेज एक दिन में ही उसके ऊपर बिखार देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको लगता है कि ये तो भैया लखविंदर जी कर सकते हैं, मेरे बस की बात, ऐसा होता है ना। yes. तो हमने ऐसा नहीं करता, उसको ऐसे लगे कि ये तो बड़ा आसान काम है, ठीक है ना, अगर ये कर सकते तो मेरे को भी, मैं भी कर लूंगा। तो उसको सिंपल वे में उसको बताना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। देखो ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखे, हमने समझा कि ये बच्चा जो है ये नर्सरी क्लास का, हमारे भी तो बच्चे ही है नेटवर्क के हिसाब से, ये नर्सरी क्लास का बच्चा, उसको सिलेबस उतना ही देना है जितना वो झेल पाए, अगर ज्यादा दे दिया तो ओवर हो जाएगा, तो वो उसको संभाल नहीं पाएगा, तो उस वजह से कई बार दिक्कतें आती हैं। तो आप छोटा प्लान करो, सिंपल प्लान करो, जितना वो ले पाए उतना ही उसको ज्ञान दो, ज्यादा ज्ञान देने की फर्स्ट बार में कोशिश ना करें, ये तो जिंदगी भर ज्ञान लेने का बिजनेस है। और रेखा मैम बोलती है कि मैं अभी 1% इस बिजनेस के बारे में जानती हूँ, अगर रेखा मैम 1% जानती है तो हम लोग कितना जानते हैं, हम लोग तो स्टार्ट ही नहीं हुए इसके हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ज्यादा नॉलेज की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, तो नॉलेज उतनी ही दें जितनी पर्सन को चाहिए। और बाकी अभी जैसे डिजिटल का टाइम आ चुका है, हम लोग डिजिटल भी साथ ज्यादा थोड़ा फोकस करें साथ के साथ, तो हम लोग अपना समय बचा सकते हैं। जैसे मैं शुरू में मैंने फील्ड वर्क मैंने बहुत किया, जो मैंने स्टार्ट मैंने किया, और अगर स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं, स्टार्टिंग में जब था मैं, और कई लोग मेरे से पूछते थे इतनी जल्दी आपने कैसे मिल गई, उसका रीजन क्या था कि हम लोगों ने काम बहुत ज्यादा किया, घर हम लोग कम रहते थे, फील्ड में हम लोग ज्यादा रहते थे, इसलिए वो बिजनेस मिल हो गया। लेकिन आज चीजें बदल चुकी है, वो पहली वाली चीजें नहीं रही। सुरेखा मैम ने जो नियर अबाउट 25 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, उस टाइम जो संघर्ष उन्होंने किया, आज वो हमारे लिए नहीं है, आज हमारे लिए बहुत चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार है, डिजिटल के द्वारा कम समय में ज्यादा लोगों से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी डिजिटल और फिजिकल का दोनों का कॉम्बिनेशन हमने बना के चलते, और दोनों का चीजों का कॉम्बिनेशन बना के चलते, तो उसमें क्या होता है कि टीम भी हमारे साथ काउंट रहती, और इसके अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस भी प्रति दिन बढ़ता है, लोगों के पास नॉलेज पहुंचती है, तो उससे भी बिजनेस में हम लोग काफी तेजी से हम लोग ग्रो कर सकते। जो मतलब कि 25 साल में पिछले लीडरों ने चीजें चेंज करी है, वो अगर हम लोग चाहें आज की जो जनरेशन है, आज के हिसाब से हम लोग 5 साल या 10 साल, जरा जरा मान लो 10 साल में वो चीजें हो सकती, इतना आसान हो चुका है। आज से 25 साल पहले किसी के पास फोन होता था, घर में फोन होते थे लैंडलाइन वाले, मेरे को पता है कि हमारे मामा जी का दिल्ली से फोन आता था, हम लोग सुनने जाते थे, ठीक है ना, किसी के घर में। तो पहले वो सिचुएशन थी, आजकल बिल्कुल चेंज हो चुका है, हम लोग न्यू मालूम के सिस्टम में आ चुके, उसके अकॉर्डिंग हमने काम करा, और उसके अकॉर्डिंग काम करके जिन्होंने काम किया है, जैसे मतलब कहती थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है ना। अभी हमारे साथ निशान जी है, निशान जी काफी चीजों में हमें हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा बिजनेस हमारा बिल्ड हो रहा है। तो टीम की क्या बाउंडिंग हमारी बनी रहती है, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना के चले, सिंपल वे में बिजनेस रखें, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट ना बनाएं, तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो इंसान सोच ले वो करना पाए, हम लोग सोच नहीं पाते होते, ठीक है ना। अगर सोच लेते तो हम लोग कर लेते हैं। आज मैं घर से निकला तो मैं 9 बजे घर से निकल गया था, मैंने आज मैं बड़ा खुश था कि टाइम से मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं सबसे लेट शायद मैं ही आया हूं, ठीक है ना। क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मुश्किलें हमें आती हैं। मेरे को भी रस्ते में जाम मिला, मेरे को पता नहीं था जाम मिलने वाला, ठीक है ना, बहुत सारी दिक्कतें रस्ते में आई, लेकिन फिर भी ये था रीजन था मेरा कि मैंने वहां पे पहुंचना, मेरा लक्ष्य निर्धारित था। तो अगर लक्ष्य हम लोग निर्धारित कर लेते, कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई लेट पहुंच जाता, पहुंचेगा जरूर, ठीक है ना। तो हमने लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, और इसलिए अच्छे हमारे पास कोच है, मेंटर है, हमारे पास इतनी अच्छी गाइडलाइंस है, हमारे पास हमें टाइम टू टाइम इवेंट मिलते हैं, डेली जूम मीटिंग मिल रही है हमें, कितना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। फिर भी अगर पीछे रहे तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, उस कमी को हमने बाहर निकालना है, हमने देखना है कि कहाँ पे कमी आ रही है जिस वजह से मेरा बिजनेस नहीं बैठ हो पाया। और मैं समझता हूँ कि नए लोगों पे हमें डेली काम करना चाहिए, जिसके लिए किसी भी लीडर से आप बात करोगे तो आपको यही समझाएगा कि आपको डेली एक प्लान खुद का करना चाहिए, आज कोई भी किसी भी लेवल पे हो, लेकिन डेली अगर एक प्लान हम लोग खुद का करते हैं तो ये मेरा बिजनेस कभी डाउन नहीं आएगा, हमेशा ग्रो करेगा। और जब हम लोग कुछ लीडर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो वो बिजनेस हमारा कुछ टाइम स्टेबल रहता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होना भी स्टार्ट होता है। लेकिन केवल लीडर के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने प्लान भी हम लोग अगर डेली करते हैं
तो आप देखोगे कि बिजनेस आपका बहुत तेजी से ग्रो करेगा और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का बिजनेस है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए और इस बिजनेस को जो आप चाहते हो कि 10 साल में जो करना, वो आपका काम जो है 5 साल में 3 साल में भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो अभी हमारा हम ट्रिपल डायमंड के हम लोग दौड़ में है सारे के ट्रिपल डायमंड हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग बने, टीबीडी हम लोग बनना चाहते हैं सारे। यस सर, यस। तो टीबीडी बनना आज की डेट में मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई एक फ्रेशर पर्सन भी स्टार्ट करता तो नियर अबाउट 6 महीने में टीबीडी बन सकता है। 6 महीने में हम लोग बोल सकते हैं दिसंबर तक बन सकता है, ठीक है ना। इतना मान लो कि सिंपल हो चुका है जो आपका टीबीडी तक का बिजनेस है और इस पर थोड़ा सा फोकस करके हमें चलना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें एक 15-20 हज़ार स्टार्टिंग मैं करवाता हूँ किसी भी लीडर को, तो मैं 15-20 हज़ार से स्टार्ट करवा, तो 15-20 हज़ार से उसको स्टार्ट कराओ। उसके बाद हर महीने 120 PV कराओ, 60 PV करके हमारा बिजनेस थोड़ा डाउन भी आया, ठीक है ना। हमने कंपनी भी बोल रही है, हमारे एम्प्लॉय भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन 60 PV जो है वो हमारे किसके लिए है, वो कस्टमर, न्यू पर्सन के लिए, कस्टमर के लिए है, लीडर के लिए नहीं 60 PV है। लीडर के लिए 60 PV? नो, लीडर के लिए 60 PV नहीं है। अगर लीडर डेली प्लान करता तो मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार में उसका सेल ही हो जाता, ठीक है ना। तो 120 PV पे टीम को लेके आए, डेली प्लान करें और जो लीडर स्टार्ट करें उसको 15-20 हज़ार रुपए से बिजनेस को स्टार्ट करवाएं। कुछ पैसा लगा होगा तो उसका भी कुछ जेब हल्की होगी तो उसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा बिजनेस में। अगर कुछ लगा ही नहीं तो इंटरेस्ट कोई लेता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा उसका तब तक वो बिजनेस बिल्ड नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट के लिए थोड़ी उसकी जेब हल्की करवानी जरूरी है। और ये सबके लिए नहीं है, किसके लिए है ये? लीडर के लिए, जो 1 लाख महीना कमाना चाहता है, बढ़िया कार चाहता है, देश विदेश की यात्रा चाहता है, ये उस पर्सन के लिए। सबके लिए अप्लाई नहीं है। बाकी जो जो यूजर हैं उनको 60 PV करवाओ और सारे उनको बेनिफिट दिलाओ। और जो लीडर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, उसको क्या करवाना है? 120 तो कराने वालों को कराना है। शुरुआत कैसे करानी है? 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग करवानी है। 300 PV से। जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको 300